माननीय अध्यक्ष जी, योजना और वास्तुकला विद्यालय विधेयक 2014 को सदन में लाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। इस विधेयक के द्वारा योजना और वास्तुकला विद्यालयों को सशक्त, समृद्ध और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने हेतु उत्कृष्ट संस्थान के रूप में स्थापित करने की जो मंशा से लाया गया है, निश्चित रूप में तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा देशों से कदम मिलाने वाले इस विधेयक की आज की परिस्थितियों में नितांत आवश्यकता थी और वो इसमें इस विधेयक को लाई। मैं बहुत सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कि ये विधेयक जो योजना और वास्तुकला है, ये वास्तुकला और योजना ये भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण ऐसा कदम है जो नए भारत के निर्माण में नींव का पत्थर साबित होगा। मैं समझता हूँ कि वास्तुकला ये 1959 में स्थापित और 79 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, अभी तक डिग्री ये संस्थान नहीं दे रहा, मेरे लिए तो आश्चर्यजनक बात है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ स्मृति जी को कि इस तरीके से उपेक्षा का दंश झेल रहे ये जो तीन महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन तीनों को राष्ट्रीय महत्व की योजना के रूप में, संस्था के रूप में स्थापित करके न केवल उनको सशक्त करने की बात की गई है इस विधेयक में, बल्कि काउंसिल बनाने की बात की गई, उनको डिग्री देने की बात की गई और वो काउंसिल भारत सरकार को, केंद्र सरकार को अपना परामर्श देगा। ऐसी स्थितियों में परामर्श देगा जब सारी दुनिया भारत की ओर देख रही होती है। मुझे कई बार अफसोस होता है इस तरीके की बातें कुछ लोग चर्चा सम्मान्य सदस्यगण कह रहे थे, श्रीमान भारतीय वास्तुकला का तो दुनिया में कोई शान ही नहीं है। अलग बात है कि हम अपने को भूल गए हों, और यदि उस भूली हुई चीज को इन्होंने नई शुरुआत दी तो मैं बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली, भोपाल और विजयवाड़ा तीनों योजनाओं को वास्तुकला के रूप में राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्थापित किया और इन तीनों को एक समृद्ध ताकि दिशा में और जो देश के अंदर उसके विस्तार की दिशा में जो काम होगा वो अपने में अभिनव होगा। मेरा ये निवेदन भी है कि इसमें एक चीज आई है कि इसे नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के नृत्य विस्तारीय मान परिवेश में उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में ये समृद्ध बनाने में समर्थ होगा। तो मैं ये अनुरोध जरूर मंत्री जी से करना चाहूंगा, क्योंकि इस देश के अंदर जिस तरीके से स्मार्ट सिटी बनेंगी और जिस तरीके से गांव भी अब शहरों में तब्दील हो रहे हैं, तो इस विभाग को नीचे तक, राज्यों तक इसका विस्तार कैसे हो सकता है निकट भविष्य में, इसकी भी जरूरत है। श्रीमान, आज योजना और वास्तुकला विद्यालयों के पूरे देश को ही जरूरत है। इसका विस्तार किस तरीके से होगा, क्योंकि अनियोजित और अनियंत्रित विकास ने तमाम समस्याओं को खड़ा किया। अब ये शहरों की बात करें श्रीमान, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, शिवरलैंड की समस्या है, जल भराव है, एक के बाद एक, एक के बाद एक समस्या और नरकीय जीवन स्थिति हो गई महानगरों की। ऐसी स्थिति में ये विभाग, जबकि देश तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा हो और गांवों का भी शहरीकरण की स्थिति हो रही हो, रोज एक नई कॉलोनी का निर्माण हो रहा हो, इस विभाग की निश्चित रूप में आवश्यकता है। मैं तो वैसे भी श्रीमान, मैं ये समझता हूं कि मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था, यदि ये विभाग सक्रिय और सशक्त होता श्रीमान, तो आज चाहे वो हिमालय में आने वाली तमाम जल प्रलयकारी जो भीषण विभीषिका हमारे सामने है वो नहीं आती, क्योंकि नालों पर मकान बन गए, ऐसे स्थानों पर जहां कच्ची मिट्टी है, जहां पर जो बस्तियां बसनी नहीं चाहिए थी उन स्थानों पर, जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो चाहिए हो। इसलिए मैं निवेदन भी करना चाहता हूं, क्योंकि हिमालय देश और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके लिए ये वास्तुकला और योजना को जब तक वो नहीं होता तब तक इन्हीं संस्थानों के माध्यम से वो कैसे संचालित हो सकता है, ये मैं जरूर आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। चाहे वो पार्किंग की समस्या महानगरों में, यातायात की, जल भराव की समस्या हो, तमाम समस्याओं को झेल रहे हैं और इसलिए इस विभाग की बहुत आवश्यकता है। श्रीमान, मैं ये समझता हूँ कि अनुसंधान केंद्रों की जरूरत है। भारतीय अभियांत्रिकी का कोई मुकाबला नहीं है। मैं गौरव भाई को भी कहना चाहता हूं
और प्रोफेसर सौगत राय साहब यहां पर नहीं है, उन्होंने अभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का उदाहरण दिया। मैं कहना चाहता हूं उन्होंने उल्टा बोला। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यह नहीं कहा कि दुनिया की जानकारियों को यहां लाइए, ये एक अलग विषय। उन्होंने तो कहा हम इतने समृद्ध हैं कि हम सारी जानकारियों को ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदुस्तान पूरी दुनिया का विश्व गुरु रहा है। ये तद देश प्रसूत सकाशाद अग्र जर्म स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरण पृथ्व्यम सर्वमानवा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा ये ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में ये हिंदुस्तान सारे विश्व का मार्गदर्शन करता है, इसलिए इसकी जितने विश्व के कल्याण के लिए हिंदुस्तान खड़ा है। और उन्होंने कहा कि यहाँ का ज्ञान विज्ञान विश्व में जाना चाहिए। और दूसरी चीज नेहरू जी का संदर्भ आया, मैं कहना चाहता हूँ श्रीमान भारत खोजो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक नहीं तो दसियों जगह नेहरू जी ने लिखा है। मुझे लगता है कम से कम उसको पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपनी परंपराओं को अपनी संस्कृति को अपनी मान्यताओं को प्राथमिकता दी है और कहा है कि इसी के आधार पर ये देश आगे बढ़ सकता है। अब ज्योतिष की बात हो रही है, मैं समझता हूं वो लोग आज ज्योतिष विज्ञान श्रीमान अणु बम का परीक्षण लाखों वर्ष पहले ऋषि कणाद ने किया था इस धरती पर। हमारा ज्ञान और विज्ञान में कोई कमी नहीं है। जिस बारे में हास्यास्पद स्थिति में कहा जा रहा था कि गणेश जी का शीर्ष अलग हो गया और दक्ष प्रजापति का शीर्ष अलग हो गया तो वो सर्जरी थी, जी थी वो पूरी दुनिया में, वो विज्ञान कहां है जो हमारे पास है। सिर से धड़ अलग होने पर उस धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण करने का यदि विज्ञान था वो गणित थी, वो ज्ञान था तो केवल हिंदुस्तान की धरती पर था। और मैं तो उस धरती से आता हूं श्रीमान जहां वेद पुराण उपनिषदों की जन्म धरती है, जो आयुषो वेदा आयुर्वेद की भी बात करती है श्रीमान। आयुर्वेद के बारे में भी ऐसे ही लोगों ने तब कहा था ये जड़ी बूटी करने वाली बात करते हैं, ये पोंगा पंडित हैं, लीक पर चलने वाले लोग हैं। जो लोग तब आयुर्वेद को ऐसा कहते थे आज सारा विश्व आयुषो वेदा आयुर्वेद के पीछे खड़ा होकर के, यदि आयु का कोई विज्ञान है, मनुष्य के शरीर की रक्षा कोई कर सकता है तो केवल वही आयुर्विज्ञान है। और ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। यदि विज्ञान को उसके आगे बढ़ाना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर एक है श्रीमान, इस पर चर्चा होनी चाहिए। केवल कुछ शब्दों में कह करके उस ज्योतिष विज्ञान को जो सारी दुनिया का मार्गदर्शन करता है श्रीमान इसको आगे होना चाहिए। मैं ये अनुरोध के साथ कि एक ऐसा ही संस्थान श्रीमान हिमालय राज्यों के लिए भी स्थापित होना चाहिए। और मैं मंत्री जी को एक बार पुनः ये जो नई पुरानी परंपराओं पर ये सारे विश्व में एक अद्भुत काम करने वाला जो ये संस्थान बनाने का उन्होंने किया, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद बशीर।